हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू राम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने देख लिया है स्टेशन कर दिया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह थे उनको देख लिया है और स्टेशन को देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब किसी भी बॉडी पर जब लोडिंग की जाए, ठीक है, लीनियरली अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो उसमें एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, यानी कि हमको कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर देख लेते हैं, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली बार, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से रॉड या बोले ठीक है, या रॉड मतलब ठीक है, चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन यूनिफॉर्मली रॉड या यूनिफॉर्मली या एक्सियली लोडेड रॉड यानी एक्सेली लोडेड मतलब एक्सिस के अलोंग लगा है लोड, एक्सेली लोडेड ठीक है, यानी एक्सिस के अलोंग लग रहा है, यानी समान रूप से परिवर्तित, ठीक है, यूनिफॉर्मली है, परिवर्तित नहीं है, समान रूप से समान कॉर्ड समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन ठीक है। यहां पर यानी कि कोई मान लेते हैं ये एक्सेली लोडेड बोला है ना, तो यहां पर फिक्स है, यहां पर लोड लग रहा है, लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स एफ खींच रहा है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो दिया है, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन दिया है ए, यही चीज सेम हो सकता था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे यहाँ बोल सकता था कि अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्रॉस सेक्शन ये है, तो यहाँ भी वही आएगा जो लंबाई में परिवर्तन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर लग रहा है फोर्स यानी कि खींचा लोड लग रहा है, यानी खींच रहा है, यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। तो चेंजमेंट जो मान लेते हैं कि लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ पर लंबाई परिवर्तन जो हो रहा है डेल्टा एल हो रहा है, ठीक है, और इस रॉड का जो प्रारंभिक लंबाई है एल है, कितनी, कैपिटल एल है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, और जो लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा एल हुई है, और जो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है कैपिटल ए है, और ये फोर्स जो लग रहा है एफ लग रहा है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग मापांक क्या होता है, यहां पर हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा एल, तो यंग मापांक क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग मापांक कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। उनको पता है प्रतिबल और अपान विकृति, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग मापांक, ठीक है। तो प्रतिबल तो ई इक्वल टू क्या हुआ, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस को क्या डिफाइन किया था, फोर्स अपॉन एरिया और एप्सिलॉन यानी कि विकृति को क्या बताया था, विकृति को बताया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो साइड में लिख लेते हैं कि इस स्ट्रेस को क्या लिखने जा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि हमें पता है फोर्स भी पता है एरिया भी पता है, ठीक है, और विकृति को क्या लिखने जा रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पर हमें विकृति गिवन नहीं है, लेकिन
चेन इन लेंथ जो हमको कैलकुलेट करना है और लंबाई ओरिजिनल लंबाई को ओरिजिनल लंबाई कितना है, ठीक है। तो उसको पुट कर देते हैं, इस पे पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये एल ऊपर जाके इस एल से लड़ जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एल, और ये कैपिटल ए और ये डेल्टा एल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ है E इक्वल टू एफ एल अपा ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अब डेल्टा एल को हम इधर भेज देते हैं, E को इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपा ए इंटू डेल्टा ए इंटू ई, क्योंकि E को नीचे भेजा है, डेल्टा एल को ऊपर भेजा है, ठीक है। तो ये हो गया एफ एल अपा ई। तो यहां पर फार्मूला हमको मिला जो डेल्टा एल को यानी चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में जो परिवर्तित हुआ परिवर्तन हुआ उसको कैलकुलेट का फार्मूला मिला हमें एफ एल अपन ए। डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ गया, एफ एल अपन ए यानी फोर्स टेंसाइल फोर्स एल यानी ओरिजिनल लेंथ इसकी प्रारंभिक लंबाई ए एरिया गिवन है ई एन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 2×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लगभग मैक्सिमम टाइम गिवन रहता है, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको पता याद रखना है, ठीक है। ये की वैल्यू होती है 2 × फॉर स्टील के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये मॉडल था इलास्टिसिटी ये है 2×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2×10⁵ न्यूटन। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पता है, सिर्फ हमें क्या याद करना है कैप डेल्टा एल की वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू गिवन रहेगी, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 1 मीटर 2 मीटर, एल एफ की वैल्यू मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर एम स्क्वायर कर ले रहा है, एरिया एरिया हमको गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो डायमीटर गिवन रहेगा, तो डायमीटर से क्या कर लेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अगर ये हो जाता बोल देता कि ये सर्कुलर है, अगर इसको सर्कुलर ही पर बोल देता तो ए की जगह पर क्या लिखते पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यानी वहां पर डायमीटर गिवन होता तभी एरिया निकाल लेते, एरिया निकाल के हमको फुट कर देते, सिंपल, ठीक है। अगर यहीं पर बोल देता, यहां पर डायरेक्ट रॉड दे दिया है, ठीक है, डायरेक्ट रॉड बता दिए कि रॉड की है, अगर यहीं पर बोल देता सर्कुलर रॉड, ठीक है, अगर ये देखो पहले इतना नोट डाउन कर लिया है ना, इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद में यहीं पर लिख लो क्या तो इतना चेंज नहीं करना, क्या लिखना सर्कुलर रॉड के लिए अगर बोल दे तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम, बस ए के जगह पर क्या करना है, ये हमारा ए है यानी ये हो डायमीटर गिवन होता तो यहां पर d दिया रहता कि इसकी डायमीटर ये है, डायमीटर d दे देता कि इसका डायमीटर d है, तो क्या लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं एरिया इक्वल टू, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया डायरेक्ट तो अगर ये रॉड है तो ठीक है गिवन है, इसका एरिया अगर नहीं दिया है तो डायमीटर गिवन होगा, तो डायमीटर गिवन होता तो क्या लिखते पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसको क्या करते थे इसको पुट कर देते इसमें ले जाके जो वैल्यू आती ए पर पुट कर देते, सिंपल, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्मली रॉड के लिए या यूनिफॉर्मली सर्कुलर रॉड के लिए, जब जब क्या होता है जब रॉड पर एक्सिली लग रहा है फोर्स, एक्सिली यानी एक्सिस के अलोंग लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन निकालना या एक्सटेंशन इन रॉड या चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर रॉड या यूनिफॉर्मली रॉड, व्हेन कैसा लोडिंग है एक्सिली लोडेड यानी जो लोड लग रहा है एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब यहां पर सिर्फ एक ही रॉड दिया था या अगर ऐसे ही दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, सेम ही था F, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं वैसे इसको भी कहते, ठीक है, सेम चीज था। अगर यहीं पर दे देता कि यहां पर एक ही रॉड नहीं है, यहां पर मतलब वेरी कर रहा, इसमें कई क्रॉस सेक्शन है, मान लो ऐसे है फिर इतना रॉड ऐसे है और फिर यहां पर फोर्स लग रहा है, अब बताओ कि इसमें पहले पहले ब्लॉक पर कितना स्ट्रेस आ रहा है, दूसरे पे कितना आ रहा है, तीसरे पे कितना आ रहा है, तो फिर कैसे क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। उसमें ये होगा कि वो वेरी कर रहा है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, वेरी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल सेम इसी तरह, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है।
इस पर अभी न्यूमेरिकल नहीं कराया है, तो उसको स्टार्ट करते हैं एक दो दिन में, ठीक है। पहले ये थ्योरी पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ वायरिंग वायरिंग क्रॉस सेक्शन, लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन यानी कि परिवर्तित काट के, परिवर्तित काट के लंबाई में परिवर्तन। यहां पर कैसा लोड लग रहा है, एक्सिली लोडेड है, ठीक है, एक्सिली लोडेड है यानी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगने वाला है इसमें भी, ठीक है, यानी जैसे ये है इसके अलोंग लगेगा फोर्स, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं वायरिंग क्रॉस सेक्शन यानी कि परिवर्तित, परिवर्तित काट के की या रॉड की लंबाई में परिवर्तन या चेंज में, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे इसको डिफाइन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। ये मान लेते हैं एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन मान लेते हैं इतना है, चौथा सेक्शन बस ठीक है इतना ही लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें फोर्स चेंज लग रहा है, ठीक है, फोर्स चेंज भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर फोर्स F1 लग रहा है, यहां पर F2 लग रहा है, अलग अलग भी फोर्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर क्या है, अगर लंबाई भी है L1, ठीक है, लंबाई दी है L1, ये दी है L2 और ये लंबाई दी है L3, तीनों की लंबाई इवन है, ठीक है। अगर यहां पर डायरेक्टली दे दिया हमें एरिया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट सबका एरिया दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, अगर यहां पर लंबाई दे दिया, अगर चौड़ाई दे रहा है तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को गुणा करा देंगे फिर एरिया आ जाएगा। यहां भी अगर लंबाई दे दिया ये चौड़ाई दे दिया तो अगर गुणा करा देंगे, यहां भी लंबाई दे दिया और ये चौड़ाई दे दिया तो गुणा करा देंगे। अगर ये भी हो सकता है कि लंबाई तो दे दे लेकिन यहां पर हमको डायमीटर दे दे, कहे डायमीटर डी वन है, यहां का बोल दे डायमीटर डी टू है, ठीक है, यहां पर डायमीटर डी टू है या बोल सकता है डायमीटर डी थ्री है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये यूनिफॉर्म ये ऐसा है यानी सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे एरिया निकाल लेंगे पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर या पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर या पाई बाई फोर डी थ्री, जो भी होगा इसमें डी वन डी टू डी थ्री, उससे एरिया ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन समझने वाली चीजें हैं यहाँ पर, एरिया तो सब लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, समझने वाली चीज है। यहाँ पर मान लेते हैं एरिया डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए वन डी ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, एरिया लिख दे रहे हैं क्योंकि इतना तो समझते हैं कि इतना तो आता होगा कि मान लो इसका ये लंबाई दे दिया ये चौड़ाई दे दिया तो हम एरिया डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। अगर दे दिया कि ये लंबाई दे दिया और इसका डायमीटर दे दिया तो हमको पता है कि क्या कर लेंगे, कैसे पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर या पाई बाई फोर डी स्क्वायर करके एरिया ऐड कर लेंगे। एरिया तक तो हमको पहुंच जाना है, एरिया तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर एरिया में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर एक बार बता देते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं ये डी वन है, ठीक है, ये डी वन है, ये डी वन है एक क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर डी वन है यानी कैसा ये सेफ है, क्रॉस सेक्शनल सेफ है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल सेफ है, तो पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो इसके लिए डी वन स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए डी टू स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए डी थ्री स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई फोर डी थ्री स्क्वायर। लेकिन जब एरिया हम कैलकुलेट कर लिए उसके बाद में एरिया हमको गिवन हो गया, पता चल गया लंबाई, पता चल गया सबका एरिया लंबाई, एरिया लंबाई, ठीक है, फोर्स यहाँ पर हमको एफ दिया है और यहाँ भी फोर्स दिया है एफ, तो मान लेते हैं कि जब यहाँ फोर्स एफ लग रहा है तो यहाँ भी फोर्स लगेगा एफ, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ भी, तो यहाँ भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर फोर्स चेंज हो रहा होता उसको भी बता देंगे, सेकेंड केस करके बना देंगे कि हाँ इसमें जब फोर्स यहाँ चेंज हो रहा होगा, ठीक है, उसको भी बता देंगे। लेकिन हम इस पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर एरिया सेम दिया है, सॉरी एरिया दिया हुआ है और लंबाई दी है, लेकिन फोर्स सब जगह सेम लग रहा है, जो लोडिंग है
मटेरियल पे या इस बॉडी पर लोडिंग जो है फोर्स या लोड सेम लग रहा है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डेल्टा एल ज्ञात करेंगे, ठीक है? इसको ज्ञात करेंगे कैसे, डेल्टा एल इक्वल बताया है एफ एल अपॉन ए, यानी फोर्स बताया था अभी यहां पर डेल्टा एल वन, यहां पर कैसे ज्ञात करेंगे, एफ फोर्स सेम है यानी एफ ही है, एफ वन होता तो एफ वन लिखते हैं, एफ एल वन अपॉन ए वन ई। सेम मटेरियल है तो उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होगा, इसलिए यहां पर ई लिख रहे हैं, सेम सिर्फ ई लिख रहे हैं। अगर इवन होता तो ई इवन लिखते, फोर्स एफ वन होता तो यहां पर एफ वन लिखते, लेकिन मान ले रहे हैं ई सेम है, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। यहां पर भी ज्ञात करेंगे डेल्टा एल टू, उसको मान लेते हैं, या मान क्या जो वैल्यू है उसको लिखते हैं एफ एल टू अपान ए ई, लेकिन ए की जगह ए टू लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका एरिया ए टू गिवन है, ठीक है? नेक्स्ट है थर्ड जो ब्लॉक दिया है या थर्ड रॉड दिया गया है, ये क्या है डेल्टा थर्ड है, एरिया ए थ्री है और लंबाई जो है एल थ्री है, लंबाई के पैरेलल लग रहा है ना, यानी एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है फोर्स ना, तो वही चीज है एफ एल थ्री ए थ्री, यानी इसमें डेल्टा एल वन ज्ञात कर लिए, डेल्टा एल टू ज्ञात कर लिए, डेल्टा एल थ्री ज्ञात कर लिए, ठीक है? डेल्टा एल वन ज्ञात कर लिए, डेल्टा एल टू ज्ञात कर लिए और डेल्टा एल थ्री ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, तीनों को समेशन कर देंगे, वो क्या होगा, हो जाएगा टोटल डेल्टा एल के बराबर, यानी जो चेंज इन लेंथ था ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी परिवर्तित होते हुए क्रॉस सेक्शन या काट के क्षेत्रफल वेरी हो रहे हैं, उनका हम कैसे चेंज इन लंबाई ज्ञात करें, यानी चेंज इन लंबाई यानी डेल्टा एल, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा, इसको समेशन इसको ऐड कर देंगे प्लस डेल्टा एल टू को ऐड कर देंगे प्लस डेल्टा एल थ्री को ऐड कर देंगे। अब यहां पर तीनों को ऐड कर देते हैं, एफ एल वन अपान ए वन ई प्लस एफ एल टू अपान ए टू ई, अपान ए टू ई प्लस एफ एल थ्री अपान ए थ्री ई, ठीक है? अब यहां पर हमको सब कॉमन दिख रहा है, जो जो कॉमन दिख रहा है जो जो बाहर ले लो, अदरवाइज कोई निकल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ भी कॉमन, एफ 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 सब में कॉमन है और ई भी कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, एफ अपान ई हो गया कॉमन। एफ क्या है, फोर्स है, ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मापांक है। यहाँ पर क्या बच रहा है, एल वन बच रहा है और ए वन बच रहा है प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, एल टू अपान ए टू प्लस एल थ्री अपान ए थ्री, ठीक है? सबको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर डेल्टा एल कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया वेरी क्रॉस सेक्शन के लिए, यानी जब इसका काट है या क्षेत्रफल है जब चेंज हो रहा है तो इसका ज्ञात करते हैं ऐसे ही इसका डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, लंबाई में जो परिवर्तन ज्ञात करना होगा ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे इजिली, ठीक है? इसके बाद में देख लेते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ वेरी वेरी नहीं एक सेल्फ वेट की वजह से, जो लंबाई में वो स्वयं की भार की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक? या यहां पर यही पर एक चीज और देख सकते हैं कि अभी बताया जैसे कि जो फोर्स चेंज हो रहा है, यहां पर फोर्स अलग है यहां पर फोर्स अलग, उसे भी यहीं पर कवर करते चलते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये यूनिफॉर्मली वेरिंग को देखिए, जहां पर फोर्स क्या है दोनों साइड कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है। अभी यहीं पर चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है? सेकंड केस ये हो गया, पहला केस केस फर्स्ट देखिए, अभी केस फर्स्ट जब When loading is same, ये पहला था जो भी ठीक है सॉल्व किया। अब आगे देख लेते हैं, when load is varying, जब इसमें लंबाई इसकी फोर्स में भी या लोडिंग में भी चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है? लोडिंग में भी चेंजमेंट आ रहा है, डायग्राम को थोड़ा
छोटा करके बनाते हैं, क्योंकि एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सेम उसी को बनाते हैं जो पहले भी देखे थे, पहले डायग्राम। A1 है मान लेते हैं, A1, A2, A3 है इसकी एरिया, ठीक है A1, A2, A3। अब मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है F1 फोर्स लग रहा है, और बीच में भी मान लेते हैं कुछ यूनिट यूनिट का लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है 10 न्यूटन का। ये F न्यूटन का था, F1 का था, ये अपोजिट नेट F न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है। अब इसमें देख लेते हैं कैसे, तो एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। इसको पहले यहां पर क्या करते हैं, ढक लेते हैं एक साइड, ठीक है, जिस साइड से स्टार्ट करना है इसको कवर कर लिए, इस साइड को, इस साइड को भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड को कर देख रहे हैं। तो इस वाले बॉडी का, इस वाले सेक्शन को इधर बनाते हैं, तो क्या मुझे दिख रहा है, सिर्फ F1 दिख रहा है, ठीक है F1 दिख रहा है, यानी कि यहाँ भी F1 ही लगेगा, ठीक है। तो ये पहले वाले का हो गया A1 हो गया, और क्या है L1, तो इसका अगर हम देखें डेल्टा L1, तो इसका डेल्टा L1 होगा F1 या FL, FL1 अपॉन एरिया है A1E, ठीक है, ये हो गया डेल्टा L1। सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड का फिर बढ़ रहे हम बनाते हैं, तो अब इसको इतना से रखते हैं, ठीक है, सेकेंड का बनाते हैं, तो इसको सिर्फ, तो ये ऑलरेडी F तो लग रहा है इधर, ठीक है, तो ये इधर F लगा दिए, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, तो यानी कितना हो गया F-10 न्यूटन, यानी F-10 न्यूटन, तो इधर क्या लिखेंगे F-10 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट को देख लेते हैं, ये लास्ट वाले डायग्राम को, लास्ट वाले को देखते हैं, तो ये इतना आ गया F-10, जितना ये लग रहा है इतना ही तो लगेगा इधर, तो F-10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा इधर भी F-10 न्यूटन, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, डेल्टा L2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा F की जगह पर कितना लग रहा है F-10 L2 अपॉन A2E, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट का, ये पहला था, सेकंड पार्ट ये था, ये थर्ड पार्ट था, थर्ड को बना लो, सेकंड को और ये फर्स्ट को कैलकुलेट करो, तो थर्ड को देख लेते हैं, डेल्टा L3 कैलकुलेट करना है, तो FL यानी F कितना है F-10 अपान L3 इन अपान A3 इनटू A, ये हो गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सबका। कैसे, इसको इधर कर ढक लिया तो सिर्फ इतना दिख रहा है, तो F दिख रहा है, तो F लग रहा है दोनों साइड खींच रहा है, उसके बाद में F तो लग ही रहा है इधर, इधर लग रहा है जब F, तो इधर भी लगेगा, ठीक है, तो F लगा दिए, तो इसको देखे तो F में से 10 न्यूटन को घटा दिए, तो वही चीज इधर लग रहा है, वही चीज इधर लगेगी। थर्ड वाले को देखे तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं, वही फोर्स आगे भी ट्रांसफर हो गया है, तो इतना ही है। अब आगे देखेंगे हम सबको ऐड कर देंगे, डेल्टा L1, डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 सबको ऐड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा वैल्यू जो कैलकुलेट किए हैं ये वही आ जाएगा, ठीक है। इसको जब एग्जांपल के द्वारा करेंगे, ठीक है, तो और ये ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार नोट डाउन करें, ठीक है, फिर उसको बाद दोबारा समझो, अगर नहीं समझ आता तो ठीक है, इस पर रिवीजन करा देंगे, इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये जो सेकंड केस था इसमें क्या था, जब फोर्स वेरी कर रहा है, व्हेन लोडिंग इज वेरिंग, यहाँ पर जब लोड भी वेरी कर रहा है, जो लोड यानी भार लग रहा है वो भी परिवर्तित है, ठीक है, यानी यहाँ पर देखो F लग रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन अंदर की तरफ लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये है
नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखने वाले हैं सेल्फ लोड की वजह से किसी बॉडी पर, जैसे ये बॉडी ऊपर फिक्स कर देते हैं तो सेल्फ लोड की वजह से खुद की लंबाई की वजह से कितना चेंजमेंट आने वाला है, तो उसको देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।